द असम कॉरपोरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अंडर में मध्य प्रदेश में सहकारी बैंक में जॉब्स निकली हैं। ये जॉब्स 600 से ज़्यादा निकली हुई हैं। ये जॉब्स अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली हुई हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। इन वैकेंसीज को आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, तब इसका नोटिफिकेशन आया था, कितनी फीस इसको इसमें आपको देनी है, कौन सी आपको लिंक पे जाना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, आज की वीडियो में इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। बात करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज भी देख सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, तो जाके जल्दी से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा होगा मेरे इंटरफेस पर। ये नोटिफिकेशन काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें चुनिंदा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपके काम में आने वाले, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक कंप्यूटर प्रोग्रामर मार्केटिंग ऑफिसर एंड अदर रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 368 638 पोस्ट निकली हुई है। ये नोटिफिकेशन जो आया है वो आज के दिन ही आया, मतलब 10/3/2023 में आया, 638 वैकेंसीज पे। द असम कॉरपोरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड ने ये अनाउंस किया है नोटिफिकेशन। इसमें अलग अलग रेजिग्नेशन की वैकेंसी है, कंप्यूटर प्रोग्रामर मार्केटिंग ऑफिसर फाइनेंस एनालिस्ट अदर वैकेंसीज। दोस कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इसमें वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये देनी होगी आपको। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं आप बिलोंग करते हैं तो 250 रुपये देनी होगी आपको। एससी एसटी पीएससी कैंडिडेट है तो 18% जीएसटी विल बी चार्ज एडिशनली, 18% जीएसटी अलग से देना होगा आपको। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा, थ्रू ऑनलाइन मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं पेमेंट। इंपॉर्टेंट डेट्स पर ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन आज के दिन मतलब 10/3/2023 से स्टार्ट हो चुका है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज के दिन से ये स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 9/4/2023, 9 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। डेट ऑफ रिटन एग्जाम विल बी पब्लिश ऑन बैंक वेबसाइट, मतलब जल्दी ही बैंक की वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे कब इसका रिटन एग्जाम होने जा रहा है। डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर, जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 7 दिन पहले आपको कॉल लेटर आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू विल बी पब्लिश ऑन बैंक वेबसाइट, तो डाउनलोडिंग कॉल लेटर आप बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन पर बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन वही रहेगा जो और काफ़ी सारी वैकेंसीज में जो अकॉर्डिंग टू रूल है उसके हिसाब से इसमें एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। क्वालिफिकेशन अगर आपकी कोई डिग्री है या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल रेफर टू नोटिफिकेशन पे भी जाएंगे, अभी मैं आपको सारी मोटी मोटी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकली हुई। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर की निकली हुई सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की 35 वैकेंसीज निकली हुई हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट की सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की भी 35 वैकेंसी हैं। मार्केटिंग ऑफिसर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की 29 वैकेंसी हैं। इंटरनल ऑडिटर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की 25 वैकेंसी हैं। इंटरनल इंस्पेक्टर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 की 17 वैकेंसी हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड की 1 की 12 वैकेंसी हैं। ब्रांच इंस्पेक्टर मिडिल मैनेजमेंट की 17 वैकेंसीज हैं। ब्रांच मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट 1 की 367 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर की मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 में फॉल करता है 27 वैकेंसी। सब इंजीनियर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 की 8 वैकेंसी है। स्टैटिकल ऑफिसर 15 वैकेंसी। अकाउंटेंट की 38 वैकेंसी। कंप्यूटर प्रोग्रामर की 13 वैकेंसी। अब आपको चूज करना है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, किस डेजिग्नेशन पर आप अभी काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेजिग्नेशन चुन के और अप्लाई करना है। अब चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। तो टोटल 22 पेज का इसका नोटिफिकेशन आया। वेबसाइट www.apexbank.in पर आपको सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी। लास्ट डेट जो डेट्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, फीस मैंने आपको बता दी, एग्जामिनेशन बता दिया है। अब देखिए पूरा इसमें एक चार्ट बना हुआ है, डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट। अब इसमें कैटेगराइज कर दिया है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हुई है इसके अंदर।
डिटेल में अगर आपको जाना है तो इसका नोटिफिकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो है, अब देखिए इसमें मध्य प्रदेश के कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप इसमें ये देख सकते हैं। जैसे कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप निकली हुई हैं, जैसे विदिशा, राजगढ़, बैतूल, खंडवा, झाबुआ, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाहजहाँपुर, तो ये सारी चीज़ें हैव सेवन्थ पे स्केल ही लागू होगा। इसमें कैंडिडेट शेल पेड मिनिमम सैलरी एज पर द DCCB विच दे हैव बीन सेलेक्टेड, मतलब जो एज पर द रूल्स है उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी इसके अंदर आपको, अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। अब इसमें देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर में BTech चाहिए या BE होने चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और MCA अगर आपका है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 60% मार्क्स से, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस के लिए CS, ICWA और MBA विद फाइनेंस से आप 60% अगर मार्क्स से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर MBA मार्केटिंग से है 60% मार्क्स से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर के लिए CICWA MBA फाइनेंस से अगर आपका 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच मैनेजर के लिए MBA फाइनेंस 60% मार्क्स से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स, मतलब ये 2 years का MBA का जो रेगुलर कोर्स है वो आपका होना चाहिए। ब्रांच मैनेजर के अंदर भी MBA ही है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के अंदर MBA फाइनेंस विद 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स चाहिए। बाकी इसमें ज़्यादातर जो डिमांड की गई है क्वालिफिकेशन की, वो MBA की गई है। अगर आपका MBA है तो आप इसके लिए सुइटेबल हैं और इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अपर एज रिलैक्सेशन देखिए, अब एज रिलैक्सेशन की डिटेल इस नोटिफिकेशन में आपको मिलेगी। अदर बैकवर्ड क्लास से है 5 years की रिलैक्सेशन है, स्केड्यूल कास्ट से है 5 years की रिलैक्सेशन है, फिजिकल हैंडीकैप है 5 years की रिलैक्सेशन है। अब नोट में आप पढ़ सकते हैं पूरा, ये इसमें काफ़ी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, आपको एक एक पॉइंट मिल जाएगा इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है। अब हाउ टू अप्लाई देखिए इस पर दिखाई दे रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम 10/3/2023 टू 9/4/2023, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी, आपको ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफलाइन इसमें कोई नहीं है, आपको डायरेक्टली ऑनलाइन ही इसमें एप्लीकेशन फिल करनी होगी। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस ऑनलाइन मोड, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। और अगर कोई सवाल आपका हो, अब देखिए इसमें एग्जामिनेशन जो होगा वो 40-40 मार्क्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स में से आपके मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे। जैसे प्रोफेशनल नॉलेज में से नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आएंगे, मार्क्स भी 40 ही रहेगा। रीजनिंग 40 मार्क्स ही होगी और 40 क्वेश्चंस ही में रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स ही रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होने जाएगा। इंग्लिश हिंदी एक्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 30 मिनट, तो टोटल लगभग 140 मिनट आपको मिलेंगे। 140 मिनट का मतलब है 2 घंटा 20 मिनट इसके अंदर आपको मिलेंगे। कैंडिडेट एज पर द स्टैंडिंग द मेरिट लिस्ट 3 टाइम फॉर ईच एडवर्टाइजिंग पोस्ट क्वालिफाई अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू, भैया अगर आपने क्वालिफाई कर लिया मेरिट लिस्ट के हिसाब से तो आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इस पर देख सकते हैं। और बाकी इसमें एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड द फॉलोइंग एग्जामिनेशन सेंटर इन मध्य प्रदेश, मतलब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन जैसी जगहों पे ये सेंटर बनेंगे, वहाँ आपको अपना एग्जामिनेशन जो है वो देना होगा। बाकी अगर आपके कोई सवाल हो, कोई क्वारी हो, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग। मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।